If you want to know about health and have health concerns, then subscribe to my channel and hit the bell icon. You'll be notified about all upcoming videos. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, stress, chinta, anxiety bahut logon ko hoti hai, har ek ko hoti hai. और अच्छा भी है एक्चुअली में, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना अच्छा होता है, थोड़ी बहुत एन्जाइटी चिंता ये ज़रूरी है. कब? अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई टेस्ट है, कहीं कोई दौड़ने वाले हैं, कुछ काम इम्पोर्टेंट ऐसा, कोई झगड़ने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, कोई वॉर होने वाली है, तो थोड़ी एन्जाइटी थोड़ा स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है. लेकिन स्ट्रेस से आपके शरीर में होता क्या है वो आज हम जानेंगे कि स्ट्रेस शॉर्ट टर्म में कैसे बेनिफिशियल है और लॉन्ग टर्म में कैसे आपकी जान ले सकता है. ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ख़ासकर हर एक इंसान को जो आज के डेट पे स्ट्रेस्ड है, एंग्शियस है, घबराया हुआ है. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके समझने के लिए और सबको समझाने के लिए. तो आइए शुरू करते हैं. देखिए, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, किसी भी कारणवश हो, हमारा शरीर सबसे पहला काम ये करता है कि एक एक्सिस होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, HPA एक्सिस. ये हॉर्मोन्स का गेम है, हॉर्मोन्स का खेल है. और हमारा शरीर जैसे ही स्ट्रेस में आता है, शुरुआत ही उसकी इस तरह होती है कि ये एक्सिस एक्टिवेट होता है और एड्रीनल ग्लैंड से, आपकी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, जिसको हमने स्टीरॉयड वाले सेक्शन में फुल डिटेल में समझाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, वहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं. नंबर वन हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल के साथ साथ कैटाकोलामीन्स सिक्रीट होते हैं, जैसे कि एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, जिसको आप एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन रश के नाम से भी जानते हैं, सुनते हैं, बात आपको पता होगी. ये हार्मोन्स शॉर्ट टर्म में आपके शरीर को प्रिपेयर करते हैं फाइट करने के लिए, फ्लाइट करने के लिए, यानी भाग जाने के लिए. अगर कोई खतरा आ रहा है और आप समझते हैं कि आपको बहुत स्पीड से वहाँ से निकलना चाहिए, अगर ट्रेन आपकी तरफ आ रही है तो यू नीड दैट एनर्जी कि भाई भागो वहाँ से, राइट, शेर आ रहा है तो भागो वहाँ से. तो फाइट करने के लिए, फ्लाइट करने के लिए और आपके शरीर को प्रिपेयर करते हैं. इसमें ये जो हॉर्मोन्स है, इसकी एक पूरी कैस्केड है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा स्टिमुलेट होता है और मल्टीपल चीज़ें स्टिमुलेट होके बॉडी के अंदर बहुत सारे साइटोकाइंस भी स्टिमुलेट होते हैं, जो कि आपके इंजरी, आपको इंजरी हो जाने के बाद, मान लीजिए आपकी इंजरी हो जाती है, हीलिंग में भी हेल्प करते हैं. तो इंजरी हीलिंग, इंजरी प्रिवेंशन, इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं, आपके शरीर को एक तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं किसी भी प्रकार के खतरे के लिए, ये स्ट्रेस में एक्यूट रिस्पॉन्स. इसलिए स्ट्रेस शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल होता है, शॉर्ट टर्म यानी कुछ वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए. लेकिन जैसे जैसे अगर आप क्रोनिकली बार बार रिपीटेडली स्ट्रेस्ड होंगे, बार बार चिंतित होंगे, हर रोज चिंतित होंगे, या बीच बीच में कभी कभी या ज़्यादातर चिंतित रहेंगे, या स्ट्रेस जब लंबा हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हो जाता है, तब क्या होता है, ये सबसे ज़रूरी है जानने वाली बात. देखिए, जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन और साइटोकाइंस, एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, ये सारे हार्मोन आपके शरीर को जिस तरह प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, नंबर वन, ये आपकी दिल की धड़कन बढ़ाते हैं, ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ये आपके खून के अंदर शुगर और फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ाते हैं, ताकि आपके पास एनर्जी रहे, ताकि आपका हार्ट जैसे गाड़ी के एक्सेलरेटर दबा हुआ रहे, ताकि आप भाग सको या फाइट कर सको या फ्लाइट कर सको. लेकिन ये प्रिपरेशन वाला फेज़, यही एक्टिवेटेड फेज़ अगर आपके शरीर में लगातार रहेगा या ज़्यादातर रहेगा, तो ये अच्छा नहीं है. क्यों अच्छा नहीं है? ज़्यादा ब्लड प्रेशर, ज़्यादा हार्ट रेट आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी कर देगा, नंबर वन. आपके हार्ट के ऊपर अच्छा नहीं है. ज़्यादा शुगर रहेगा, ज़्यादा फैट रहेगा खून के अंदर, तो क्रोनिकली आपके हार्ट के अंदर बीमारी बनाना, हार्ट अटैक जैसी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने वाली बीमारी, स्ट्रोक जैसी बीमारी का चांसेस बढ़ जाते हैं. यहाँ तक कि ये कॉर्टिसोल क्रोनिकली जब आ जाता है, तो कॉर्टिसोल से क्या होता है कि आपके खून की नसों की एंडोथीलियल लाइनिंग, यानी खून की नसों की अंदर की लाइनिंग भी डैमेज होती है और वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन ज़्यादा तेज़ी से होता है. ये एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए स्ट्रेस हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है.
जो लंबे समय में आपको दिक्कत देता है, आपकी जान भी ले सकता है। जी हाँ, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जानलेवा बीमारियां हैं। कई लोग कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम सिगरेट नहीं पीते, हम कुछ नहीं करते, लेकिन हमें हार्ट अटैक क्यों? वो ये स्ट्रेस फैक्टर को नज़रअंदाज कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, यहाँ तक कि स्ट्रेस आपको भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि आपकी बॉडी तैयार करती है कि भाई अब पता नहीं कितने दिन का स्ट्रेस है, क्या है लड़ाई, कैसी चीज़ आनी है, कैसा वक्त आना है, ज़्यादा से ज़्यादा खा लो। इसलिए लोग स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं, स्ट्रेस ईटिंग, एपेटाइट बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है, उल्टा सीधा खाते हैं और मोटे हो जाते हैं, वज़न बढ़ता है स्ट्रेस में, वो भी आपके बाकी सारी बीमारियों के रिस्क इन्वाइट कर लेता है। यहाँ तक कि ये तो चलो एक लॉन्ग टर्म बात हुई, लेकिन आपके ब्रेन से आपके इंटेस्टाइन का एक कनेक्शन है जिसे ब्रेन गट कनेक्शन कहते हैं, और इसके एक्टिवेशन से, बार बार एक्टिवेशन से, स्ट्रेस से कई लोगों को उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पेट की प्रॉब्लम्स होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को लूज मोशन होता है, किसी को मरोड़े आने लगती हैं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली, जिसे हम IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, बहुत कॉमन है, स्ट्रेस की वजह से होती है। तो स्ट्रेस की वजह से IBS भी होता है, पेट में गड़बड़ भी होती है, और यहाँ तक कि आपके जीवन, आपकी लाइफ भी छोटी हो जाती है। लाइफ कैसे छोटी होती है? एक आपके DNA के अंदर, DNA में जो आपके जितने भी सेल्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, और वो उस लाइफ के बाद रिप्लेस हो जाते हैं, रिप्लिकेट हो जाते हैं, एक से दूसरा बना के वो नया सेल आ जाता है। ये ज़्यादातर आपके बॉडी में ऐसे हर एक सेल्स में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, और ये रीजनरेशन करने के लिए DNA के अंदर जो जीन्स हैं, जीन्स में एक टीलोमर का लेंथ होती है, टीलोमर नाम का एलिमेंट होता है जिसकी लेंथ होती है, वो लेंथ हर बार जब वो डिवाइड होता है तो शॉर्ट होती जाती है। इसलिए आपकी एक एक्सपायरी डेट है, इसलिए आप कोई 60 साल, कोई 80, कोई 100 साल के आसपास ही जीता है, और ये लेंथ जो है टीलोमर की, स्ट्रेस से कम होती जाती है। अगर ये टीलोमर की लेंथ आपके DNA में लेंथ कम होती जाएगी तो अल्टीमेटली आपकी इफेक्टिव लाइफ स्पैन कम होती जाएगी, आपकी उम्र जल्दी बढ़ेगी। तो सोचिए कितनी सारी प्रॉब्लम है सिर्फ एक स्ट्रेस से, और ये इतना काफ़ी नहीं था, बल्कि स्ट्रेस से और भी चीज़ें होती, और भी सिम्टम होते हैं। आपको एक्नी हो सकता है, आपके हेयर लॉस हो सकते हैं, आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल इच्छा मर जाना, सर में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाना, आपको थकान रहना, इरिटेबिलिटी रहना, नींद नहीं आना, इतनी सारी चीज़ें हो सकती है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस से, सिर्फ चिंतित रहने से। और ये स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, काम का, पढ़ाई का, रिलेशनशिप का, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस यही सब करता है। और क्रोनिकली क्या करता है? दिमाग को इफेक्ट करता है। दिमाग को कैसे इफेक्ट करता है? आपके दिमाग में एक अमिगडाला नाम का जगह है जिसको नाम अमिगडाला। अमिगडाला क्या है? ये आपका फियर सेंटर है और एंगर सेंटर है। आपको गुस्सा और आपको डर उसके वजह से लगता है, और जैसे जैसे आपका क्रोनिक स्ट्रेस बढ़ता रहता है, स्ट्रेस के वजह से ये अमिगडाला का साइज बढ़ता है। तो इसीलिए जिन लोगों को चिंता, स्ट्रेस ज़्यादा रहती है, उनके अंदर डर पैदा होता है, उनके अंदर गुस्सा पैदा होता है, क्योंकि फियर और एंगर वाला सेंटर, अमिगडाला बड़ा होता रहता है। और जो आपका सोचने विचारने का सेंटर है, लर्निंग सेंटर है, जो ज्ञान लेने का, जो दिमाग में मेमोरी का सेंटर है, हिप्पोकैम्पस, वो छोटा होता है। वो हिप्पोकैम्पस आपका छोटा होता जाता है स्ट्रेस की वजह से। हिप्पोकैम्पस वो है जो हिप्पोकैम्पस ये HPA एक्सिस को भी कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस को कंट्रोल करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए। और जैसे जैसे हिप्पोकैम्पस छोटा होता जाता है, आपका स्ट्रेस पर ये रिस्पॉन्स, कॉर्टिसोल बनाना, HPA एक्सिस भी कम होता जाएगा। यानी धीरे 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 आप स्ट्रेस के साथ साथ तैयारी जो है उसकी कम होती जाएगी, यानी आपकी लड़ने की क्षमता, आपकी इवन इम्यूनिटी कम होती जाएगी, और आगे चल के आप डरपोक या डिप्रेस्ड या लो लेस इम्यूनिटी वाले लोग बनते जाओगे स्लोली ओवर टाइम। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ तक कि क्रोनिक स्ट्रेस से आपके दिमाग में जो साइनेप्टिक कनेक्शंस हैं वो स्लो होते जाते हैं, और ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी ब्रेन का सामने का पार्ट, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हैं, जिससे आपकी बिहेवियर, जिससे आपकी सोचने की क्षमता, जजमेंट करने की क्षमता, आपका कंसंट्रेशन और आपके एक्चुअल जो सोचने विचारने का डिसीजन मेकिंग वाली क्षमता है, वो कम हो जाती है। इसीलिए
जो क्रोनिकली स्ट्रेस्ड होते हैं वो आगे चल के उनको गुस्सेल नेचर, इरिटेशन, ये सब ज़्यादा हो जाता है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी कम होते जाता है और वो डिप्रेशन और अल्जाइमर्स डिजीज की तरफ बढ़ते जाते हैं. सो ये सब होता है आपके अंदर सिर्फ स्ट्रेस से, सिर्फ टेंशन लेने से. तो क्या करें, स्ट्रेस ना लें? कैसे ना लें? देखिए, लाइफ है, सबको टेंशन होगा, सबको स्ट्रेस होगा, सबको आएगा, लेकिन स्ट्रेस आना बीमारी नहीं है. आप स्ट्रेस में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, आप उसको कैसे मैनेज करते हो, वो मैटर करता है. अगर आप उस स्ट्रेस को ऐसे लेते हैं कि वो एक चैलेंज है जो आप उसको पूरा करके सीख सकते हैं, पूरा करें या ना करें आप उससे कुछ सीखेंगे, चैलेंज करा लेंगे, तो आपका ना सिर्फ परफॉर्मेंस बढ़ेगा उस शॉर्ट टर्म में, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ और लाइफ की हेल्थ भी बढ़ेगी. आपकी हेल्थ भी बढ़ेगी, लाइफ स्पैन भी बढ़ेगी, लाइफ लॉन्ग भी होगी अगर आप उसको, स्ट्रेस को एज अ चैलेंज लेंगे, ना कि एक थ्रेट लेंगे, एक ऐसी चीज़ लेंगे जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, तो वो चीज़ बीमारी की तरफ जाएगी. तो कैसे करेंगे इसको कंट्रोल? बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस मैनेज करने में या इस स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है, लेकिन दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं मेडिटेशन और एक्सरसाइज. दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं मेडिटेशन और एक्सरसाइज. इस पर एक डिफरेंट वीडियो हम बनाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, ज़रूर देखिएगा. खैर, बहरहाल ये वीडियो आज हम इतना ही बता रहे हैं. आई होप आपको समझ आया, आई होप आपको सही लगा वीडियो, अच्छा लगा वीडियो. इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक करके बताइए, नीचे लिख के बताइए आपको क्या समझ आया, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, और ज़रूर इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए. एंड मेक श्योर टू फॉलो दिस चैनल. आई एम डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे लेस स्ट्रेस. टेक केयर.